राहुल गांधी जो है वो हरियाणा में सोनीपत में भारत जोड़ो यात्रा के चलते जो है वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो अपना राजनीतिक जो भी उनका खेल है वो कर रहे हैं, करें, हमें उसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इनको अच्छी तरह से जानती है कि इनके जो कर्तव्य हैं वो जोड़ने के नहीं हैं, वो तोड़ने के हैं। हर मुद्दे पर इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब इन्होंने हिंदुस्तान तोड़ दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। 84 के दंगे हुए तब इन्होंने हिंदुस्तान तोड़ दिया, अनेकों लोग इन्होंने मरवा दिए। तो सारी दुनिया इनकी असलियत को जानती है। तो आप पार्टी मीटिंग में जा रहे थे और आपकी गाड़ी का शॉकर टूट गया था। कल भी एक ऐसा हादसा हुआ, मर्सिडीज गाड़ी में जो है क्रिकेटर पंत जो है वो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए। आपने भी जो है चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है कि मर्सिडीज गाड़ी का चलते चलते शॉकर टूट जाए। अब इसकी जांच करने के लिए वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई है और वो जांच कर रही है कि किस लेवल पर गलती हुई है, लेकिन है तो बहुत संगीन मामला। इसलिए कारण कोई भी रहा हो, ये कार जो है वो रिस्की है। इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिख के गाड़ी वापस कर दी कि ये इस गाड़ी में चलना खतरनाक है और इसलिए मुझे किसी और मार्के की गाड़ी दीजिए, और गाड़ी मैंने सरकार को वापस कर दी। सर, बीते दिनों विधानसभा में कुछ अधिकारियों ने गलत आंकड़े दिए थे, उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है? उसके लिए मैंने SIT बना दी है और ये बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा में बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो आंकड़े विभाग ने दिए और जो आंकड़े उसी प्रश्न के जवाब में लोकसभा में पेश किए गए, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। तो मैंने हाउस को कहा कि जो आप कह रहे हो और जो आंकड़े मेरे पास है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए मैं इसका जवाब आपको पत्र द्वारा करके दूंगा। तो उसके लिए मैंने 3 सदस्यीय कमेटी कंस्टिट्यूट की है जो इसकी जांच कर रही है। केंद्र सरकार जो है वो कोरोना को लेकर जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है, हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट किया गया। हरियाणा में किस तरीके की हिदायतें जो है वो दी गई हैं? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और जो जो सामान चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, चाहे वो PSA प्लांट है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे टेस्टिंग की सुविधा है, वो हमने ऑलरेडी हर जिले में करवा दी है। और 26 तारीख को हमने सारे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें मॉक ड्रिल भी की है। पंचकुला के अस्पताल में तो मैं खुद भी उसमें देखने के लिए गया था कि सारी चीज़ें, वेंटिलेटर हमारे अप टू डेट होने चाहिए, हमारे जो गैस प्लांट हैं वो चलते हुए होने चाहिए, हमारी सारी तरीका आइसोलेशन बेड्स हमारे होने चाहिए। तो हमने सारी तैयारियाँ कर रखी हैं।